हाय गाइस, गुड डे, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इन लास्ट लेक्चर वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में तीन तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस हमने देख रहे थे। फर्स्ट था सिक्वेंशियल रिएक्शन, ए गिविंग बी, बी गिविंग सी, और उसमें हमने K1 ग्रेटर ग्रेटर देन K2 एंड K2 ग्रेटर ग्रेटर देन K1 केसेस देखे थे। और फाइनली न्यूमेरिकल में मोस्टली वही काम आते हैं, स्पेशल केसेस जहां पे K1 और K2 में एक बहुत बड़ा दूसरा बहुत छोटा, जिसकी हाफ लाइफ पीरियड छोटी उसका रेट कांस्टेंट उतना ही बड़ा। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू टी हाफ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं के एंड टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा हमने रिवर्सिबल रिएक्शन देखा, एंड थर्ड केस इज पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन और कॉन्करेंट रिएक्शन। ए एक रिएक्टेंट है, वो P1 प्रोडक्ट भी बना रहा है पहली रिएक्शन से, दूसरी रिएक्शन से P2 प्रोडक्ट बना रहा है, तीसरी रिएक्शन से P3। पैरेलली साइड बाय साइड ये रिएक्शन और ये तीनों रिएक्शन साइड बाय साइड और पैरेलली चल रही हैं। यानी कि कुछ भी अमाउंट ए का डिकम्पोज होता है तो वो P1 में भी जाएगा कुछ हिस्सा, P2 में भी जाएगा, और जितना भी डिकम्पोज हुआ एक का उसका कुछ हिस्सा P3 में भी जाएगा। P1, P2, P3 तीनों साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, तीनों रिएक्शन पैरेलली चल रही हैं। ऐसा जनरली रेडियोएक्टिव डिके में इस तरह की रिएक्शन आप पाओगे। केमिकल रिएक्शन में भी हम लोग देखते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी ऐसा होता है, ये प्रोडक्ट भी बन रहा है दूसरे मैकेनिज्म से, दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है, या उसी मैकेनिज्म से कोई दूसरा साइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन में भी होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में। जैसे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो बीटा डीके में भी जा रही है, पॉजिटिव डीके में भी जा रहा है एंड अल्फा डीके में भी जा रहा है, इस तरह दो तीन तरह के डीके हैं पैरेलली हो रहे हैं। तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन, व्हाटएवर यू कॉल इट, गोइंग पैरेलली। तो पैरेलल रिएक्शन का यूज आपका रेडियो एक्टिविटी में भी रहेगा सेम, पर यहां पर अलग अलग रिएक्शन है। तो सबका आप लोग जानते हो ए एन ई ए अलग अलग रहता है, अलग अलग रिएक्शन का ए अलग, एन ई ए अलग, सबका अलग अलग रहेगा। ए एन ई ए अलग रहेगा क्योंकि ए एन ई ए आर स्पेसिफिक टू ए रिएक्शन एंड कंसीडर टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सारी रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही है पैरेलली, तो टेम्परेचर तो डेफिनेटली सेम है, तो ए और ई ए की वैल्यू अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी, तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी, हम लोग जानते हैं। जैसे P1, P2, P3 सब बन रहे हैं तो इफेक्टिवली मैं जो रेट कॉन्स्टेंट ले लूंगा, मान लो एक सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में देखें, नेट डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसको मैं के इफेक्टिव या के एवरेज बोल दूंगा। और इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी ले लूं मैं सारी रिएक्शन की जगह पर एक रिएक्शन मानते हुए, तो मैं बोलूंगा इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाटएवर वी कॉल इट, राइट। इस पैरेलल रिएक्शन को हम डायग्रामेटिकली ऐसे भी दिखा देते हैं, पैरेलली सब रिएक्शन चल रही हैं, और इस पैरेलल रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा देते हैं P1 बन गया, P2 बन गया, P3 बन गया। तो दीज आर डिफरेंट वेज टू शो द सेम पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन। सारी रिएक्शन एक साथ चल रही होती है तो कैसे भी दिखा सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब अगर हम बात करें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो इन सब के डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं और ये सारे एक्सप्रेशन आपको काम आएंगे। सब ज्यादा ये काम आएगा न्यूमेरिकल में, दूसरे नंबर पे आपको ये काम आएगा, एंड देन आफ्टर दीज रिलेशंस विल बी यूजफुल 2 and 4 एट लास्ट, राइट। ये तो फिर भी काम आएंगे, इवन ये भी रिलेटिवली ज्यादा काम आएगा, सबसे काम यही आएगा B2 वाला। ओके, सबसे पहले K1, K2, K3 एंड K इफेक्टिव में क्या रिलेशन है। K1, K2, K3 जितने पैरेलल रिएक्शन है सबके रेट कांस्टेंट का समेशन इज इक्वल टू K इफेक्टिव, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। तो जब भी डिफरेंट रेट्स दे रखे हो रेट कांस्टेंट, ध्यान रखें कि सारी की सारी रिएक्शन, यहां पे तीन रिएक्शन दिखा रखी है पैरेलली, दो हो, तीन हो, चार हो, सभी पैरेलल रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर है। सभी पैरेलल रिएक्शन का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ऑल आर, दिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सारी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर।
तो केवल के टू के थ्री और के इफेक्टिव सबकी यूनिट टाइम इनवर्स होगी। अगर एक सेकेंड इनवर्स में है के वन के टू के थ्री एंड के एवरेज सब सेकेंड इनवर्स में, एक मिनट इनवर्स में सब मिनट इनवर्स में, क्योंकि यूनिट डायमेंशन तभी, यूनिट डायमेंशन वाले रूल तभी सेटिस्फाई हो पाएंगे, सबकी यूनिट सेम है। के इफेक्टिव को क्या बोल सकते हैं, एल एन टू बाई टी इफेक्टिव। के वन को क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन का एल एन टू बाई टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। के टू को क्या बोल सकता हूं, एल एन टू बाई टी हाफ ऑफ सेकेंड रिएक्शन। LN2 को 0.693 भी बोलते हैं, तो सब जगह ये क्या आ जाएगा, LN2 K3 को LN2 by 0.693, LN2 दोनों साइड कॉमन आकर हट जाएगा फाइनली पिक्चर से और आपका एक्सप्रेशन हाफ लाइफ पीरियड में ही रहेगा। तो हाफ लाइफ पीरियड दे दे तो इस तरह, और रेट कांस्टेंट दे दे तो इस तरह, आप रिलेशन देख लेंगे, दोनों चीज सेम ही है, बोथ आर सेम। बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग इज जस्ट डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम। ओके, किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और P1, P2, P3 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, वो यहां से मैंने, A की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे क्या है, A नॉट ई रेज टू पावर माइनस के इफेक्टिव टी। सिंपल, जब फर्स्ट ऑर्डर था A गिविंग प्रोडक्ट, अगर आपको ध्यान हो A गिविंग प्रोडक्ट था, रेट कॉन्स्टेंट K था, तो A की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे क्या थी, A नॉट ई की पावर माइनस के टी था। बस के टी की बजाय क्या आ गया, के इफेक्टिव आ गया इधर, इतना सा फर्क आपको देखेगा इंटीग्रेटर, इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। इसी को ही लॉग ले ले तो इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं, के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/T एल एन ए नॉट बाई ए। ये और ये दोनों एक्चुअल में सेम ही तो है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, राइट। बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, दोनों सेम ही है वैसे तो। P1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोडक्ट P1 की किसी भी टाइम T पर, A की किसी भी टाइम T पे आ गई, T की वैल्यू पुट करो तो A की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब वो A इधर पुट कर देंगे तो P1 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, वो A वाली कॉन्सेंट्रेशन इधर पुट कर देंगे तो उसी टाइम वाली P2 प्रोडक्ट P2 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। P1 की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है आपका, N1K1 डिवाइड बाई K इफेक्टिव A नोट माइनस A। A नोट क्या थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, राइट। तो यहां पर ये चीज इधर और ये चीज इधर सभी में कॉमन है, A नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, A या A T होगी इस टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये A नोट माइनस A क्या हो गया, ये चीज कितना कॉन्सेंट्रेशन A का डीकम्पोज हो गया वो है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डीकम्पोज, इनिशियल माइनस अभी का डिफरेंस ले लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डीकम्पोज हो जाएगा। N2K2 डिवाइड बाय K एवरेज A नोट माइनस A, ये हो गया P1 P2 P3 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम, पर्टिकुलर टाइम। तो A की कॉन्सेंट्रेशन एक बार आ गई तो इधर पुट कर देंगे तो P1 P2 की भी सेम इंस्टेंट के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो A की P1, P2, P3 सभी की कॉन्सेंट, P3 में क्या हो जाएगा, P1 है तो N1K1 है, P2 है तो N2K2 है, P3 में यहां पे N3K3 आ जाएगा, बाकी ये चीज तो सेम ही है, राइट। दिस वे यू कैन कीप इन माइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ध्यान रखें जब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसमें रिएक्टेंट इंक्लूडिंग नहीं है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट किसी भी टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई सभी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। तो P1 क्या हो जाएगा, N1K1 डिवाइड बाई N1K1 प्लस N2K2 प्लस N3K3 डैश 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 जितने भी आपके लिए प्रोडक्ट हैं मल्टीप्लाइड बाई 100। P2 क्या हो जाएगा, N2K2 डिनोमेटर होगा ही है, N1K1 प्लस N2K2 प्लस N3K3 डैश 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 मल्टीप्लाइड बाई 100। P3 क्या आ जाएगा, N3K3 और डिनोमेटर में यही आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। एक चीज देखो, N1, N2, N3 ये क्या है, कोफिशिएंट्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। K1, K2, K3 रेट कांस्टेंट भी टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। तो
यहाँ पर N1, N2, N3 है, K1, K2, K3 है, टाइम के साथ कोई भी चेंज होने वाली चीज नहीं है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट वक्त के साथ चेंज नहीं होगा। सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वक्त के साथ। अगर ये 2% है T1 टाइम पे, तो T2 टाइम पे भी टोटल प्रोडक्ट का 2% ही होगा, T3 पर भी होगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तब भी ये क्या रहेगा, 2% ही रहेगा आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट वक्त के हिसाब से चेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें कोफिशियंट है N1, N2, N3 और रेट कॉन्स्टेंट है K1, K2, K3, कुछ भी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, तो भला परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट क्यों चेंज होगी, नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी के इफेक्टिव इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2 K3 E3, ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। सब ज्यादा ये काम आएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये एक्सक्लूडिंग रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्ट का परसेंटेज कंपोजिशन देख रहे हैं, वन प्रोडक्ट आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखा यहां पर। अगर आप देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना। सो दोस्तों, नो फिकर नो फियर व्हेन फॉर्मूला आर हियर, व्हेन फॉर्मूलाज आर हियर, तो नो फिकर नो फियर व्हेन फॉर्मूलाज आर हियर, व्हाट आई मीन टू से, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल तो इसी से ही हो जाएंगे, यू जस्ट MML दीज फॉर्मूलाज, जो भी काम के फॉर्मूलाज हैं ये फिजिक्स में भी काम आएंगे, केमिस्ट्री में। अब रेडियो एक्टिविटी में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, रेडियो एक्टिविटी में डीके कॉन्स्टेंट यहां पे K1 की जगह लेमडा 1 लिख देंगे, K2 की जगह डीके कॉन्स्टेंट लेमडा 2, K3 की जगह डीके कॉन्स्टेंट लेमडा 3, K1 K2 K3 की जगह लेमडा आ जाएगा K की जगह, रेट कॉन्स्टेंट की बजाय रेडियो एक्टिव डीके में रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में लेमडा आ जाएगा। जब रिएक्शन है तो रेट कॉन्स्टेंट है, और जब रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है तो K की जगह पर क्या आ जाएगा, सब फॉर्मूलाज में लेमडा आ जाएगा। लेमडा को क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में डीके कॉन्स्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, यूनिट वही रहेगी क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करती है। यूनिट लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा टी लेमडा एवरेज लेमडा इफेक्टिव सबकी यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्स वहां पर भी वही रहेगी बस फॉर्मूला में। एक और चीज देखोगे आप रेडियो एक्टिविटी में एज वेल एज फिजिक्स में जब पढ़ोगे इसको, N1 N2 N3 वहां पे सिंपल केसेस मिलेंगे रेडियो एक्टिविटी में, फिजिक्स में भी आपको जिस तरह के केसेस में करवा रहा हूं इससे बहुत सिंपल मिलेगा आपको क्वेश्चंस में। N1 N2 N3 आपको सब कोफिशिएंट 1 मिलेंगे, 1 वैल्यू, यानी कि P1 मिलेगा N2 भी 1 मिलेगा, P2 होगा सिर्फ और N3 भी 1, यानी कि एक मोल रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट बनेंगे किसी भी रिएक्शन के द्वारा, जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज करोगे मॉडर्न फिजिक्स में यूज करोगे सेम पैरेलल रिएक्शन का फंडा, तो N1 N2 N3 सबकी वैल्यू 1 1 एंड 1 मिलेगी, कोफिशिएंट हरदम 1 रहेंगे वहां पर। आप देखोगे यहां पे कोफिशिएंट कुछ भी है, मैंने जनरलाइज N1 N2 N3 लिए हैं सर। तो देखो क्या गजब की चीज हो जाएगी, यहां N1 N2 N3 को सबको 1 पुट कर दो तो ऊपर क्या आ गया K1, नीचे क्या आ गया K1 + K2 + K3, K1 + K2 + K3 को मैं K इफेक्टिव लिख सकता हूं, तो P1 के किस में कन्वर्ट हो जाएगा K1 / K इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय 100, P2 क्या हो जाएगा K2 / K इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ब्यूटीफुल चीज क्या है, N1 N2 N3 सब 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में K एवरेज या K इफेक्टिव हो जाएगा, दैट इज द वे, और उस तरह आपको लाइफ सिंपल रहेगी। हाँ, जब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तब ये फॉर्मूला कोई मतलब नहीं रखता, बाकी मतलब रखेंगे, ये फॉर्मूला कोई मतलब नहीं रखेगा। क्यों मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। आरएनएस थ्योरी में हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी, वो केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ी हमने, न्यूक्लियर चेंजेस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आरएनएस थ्योरी नहीं पढ़ी है। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए, जब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, एक कोई मेजर प्रोडक्ट है दूसरा माइनर प्रोडक्ट है साइड बाय साइड तीसरा भी कोई प्रोडक्ट है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, तो पैरेलली सारी रिएक्शन होती रहती है, तो पैरेलल रिएक्शन का ही एग्जांपल है जो हम देखते हैं और क्या। तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है रेडियो एक्टिव डीके में। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला फोर्थ वाला फॉर्मूला
मॉडर्न फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कोई मीनिंग नहीं रखता है, बाकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मीनिंग रखते हैं। सब ज्यादा ये काम आएगा न्यूमेरिकल में। दूसरे नंबर पे ये तो बहुत ही सिंपल है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाएगी आपको, तो ये काम आएगा। रिएक्टेड प्रोडक्ट की किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट पूछी जाए तो फिर ये काम आएगा। ये बहुत कम यूज होता है न्यूमेरिकल में एज फार एज वी नो, राइट। ओके, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, अब मैं कुछ बात कर रहा हूं, 1 बाई एन वन डी बी वन बाई डी टी क्या हो जाएगा, के वन। इस रिएक्शन का भी रिएक्टेंट ए है, इस रिएक्शन का भी रिएक्टेंट ए है, इस रिएक्शन का भी रिएक्टेंट ए है, और एक की कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक फिक्स होगी सबके लिए, सब रिएक्शन के लिए। जितना गया होगा सब में गया होगा, बचा होगा सबके लिए बचा होगा, ये सब नो। तो इस रिएक्शन का P1 का फॉर्मेशन कैसे देख सकता हूं, R1 1 by N1 कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, dP1 by dT is equal to K1, उसका रेट कांस्टेंट और उसका रिएक्टेंट पावर 1, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। इसका क्या देखूंगा, R2 1 by N2 dP2 by dT is equal to K2, ए रिएक्टेंट तो वही है, A की पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। R3 1 by N3 dP3 by K3, A की पावर 1, वी कैन इजीली सी दिस। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो इसका क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव या आर एवरेज लिख देते हैं हम सब का लिख रहे हैं, तो 1 बाई 1 इसका कोफिशिएंट 1 है, माइनस डी ए बाई डी टी रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे हम लोग, के इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई ए, सब में ऐसा आ रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये मैंने कैसे लिखा, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर मैं इस रिएक्शन की जगह पर ऐसा लिख दूं, ये रिएक्शन एंड ये रिएक्शन दोनों अलग अलग केस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड इट, दोनों अलग अलग केस हैं। आप बोलोगे ए एन वन पी वन एन टू पी टू एन थ्री पी थ्री, तो इससे क्या समझ में आता है, एक मोल रिएक्टेंट ए का अगर डिसअपियर होता है तो एन वन मोल पी वन के भी बनेंगे, एन टू मोल पी टू के भी बनेंगे, एन थ्री मोल पी थ्री के बनेंगे, यानी कि इसका एक मोल जाता है तो सबके मोल बन जाएंगे उस एक मोल से। लेकिन यहां पे ये नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम देखें तो एक मोल ए के अगर फर्स्ट रिएक्शन में जाते हैं, ओनली फर्स्ट में, टोटल तो ज्यादा गए होंगे, उनमें से एक मोल मान लो फर्स्ट रिएक्शन में जाएगा, तो एक मोल फर्स्ट रिएक्शन जाएगा तो एन वन मोल ही बनेगा, बस उस एक मोल का कुछ हिस्सा N2 में जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस है। यहां एक ही रिएक्शन है तो एक ही एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक ही रेट कांस्टेंट होगा, या जितनी रेट कांस्टेंट, जितनी रिएक्शन उतने ही रेट कांस्टेंट, उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी, उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट्स। व्हाट आई मीन टू से कि ये एक रिएक्शन है, यह बहुत सारी रिएक्शन है, इस पैरेलल रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन पैरेलली चल रही है, दीज टू आर डिफरेंट केसेस। अगर यहां पर लिखो तो लिखोगे 1 बाई 1 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एन वन डी पी वन बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एन टू डी पी टू बाई डी टी सो ऑन सो इट्स, ऐसे लिखोगे यहां पर तो। लेकिन यहां पर क्या है देखो जरा, 1 बाई 1 माइनस डी ए बाई डी टी तो क्या हो गया, आर एवरेज। आर वन क्या हो गया, 1 बाई एन वन डी पी वन बाई डी टी, तो ये यहां पे इक्वल टू का साइन है इधर। लेकिन अगर मैं इधर देखूं तो क्या किसका साइन है, यहां पर प्लस का साइन है। अगर मैं पैरेलल रिएक्शन में, अगर ये वैलिड है, ये कैसे वैलिड है हम लोग समझेंगे, R एवरेज मतलब 1 बाई 1 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आर वन 1 बाई एन वन डी पी वन बाई डी टी, ये हो गया R1। R2 1 बाई एन टू डी पी टू बाई डी टी, ये प्लस R2 है ना, तो प्लस 1 बाई एन टू डी पी टू प्लस R3, तो वहां पे इक्वल टू का साइन था जब एक ही रिएक्शन थी, और यहां पर क्या है, प्लस का साइन है, पैरेलल रिएक्शन, और इसमें दोनों में डिफरेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, प्लस करके क्यों लिखा, ये कहां से आया, ये बात तो सही है, ये तो हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये प्लस क्यों लगाया आपने,
प्लस क्यों लगाया? जैसे आप इसको समझोगे कि रिएक्शन कैसे हो रही है तो यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि प्लस क्यों लगाया। एक एग्जांपल लेता हूं टू अंडरस्टैंड इट, और वो एग्जांपल आपको भी सोचना होगा प्रॉपरली, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे उसी एनालिसिस पे जो हम कर रहे हैं थ्रू वन एग्जांपल। मैं केस ले लेता हूं बच्चों, इसको अभी मैं रब कर देता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए। मान लीजिए वन टू बी सी एम थ्री सी, ये प्रोडक्ट पी वन पी टू पी थ्री बोल दो जो आपकी मन मर्जी है। देखो तो यहां पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ये एन वन है टू, एन टू है आपका वन, और एन थ्री है आपका थ्री, है ना, यहां से देख सकते हो। इसीलिए मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग में 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी, 6 मोलर चली गई, 6 मोलर में मान लीजिए 1 मोलर प्लस 2 मोलर प्लस 3 मोलर इस तरह फर्स्ट रिएक्शन में 1 मोलर गया, सेकेंड मोलर में, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आर इफेक्टिव इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कैसे आया। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन में 2 मोलर गई और थर्ड रिएक्शन में 3 मोलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गई, ठीक है। तो अभी कितनी रह गई, ये ए नॉट है, ये ए डिकम्पोज है, तो अभी 4 मोलर रह गई, यानी कि ए ये रह गया। समझने के लिए अपने जो 6 मोलर टोटल गई, टोटल 6 मोलर गई, कुछ इस हिस्से में गई होगी, कुछ इसके में पी, कुछ मोलर पी थ्री थर्ड रिएक्शन में गई होगी, आउट ऑफ 6 मोलर, 6 मोलर टोटल रिएक्टेंट की डिकम्पोज हुई। मान लीजिए 6 मोलर में से 1 मोलर रिएक्शन 1 के हिस्से गई, 2 मोलर रिएक्टेंट ए का रिएक्शन 2 में गया, 3 मोलर रिएक्टेंट का रिएक्शन 3 में गया, फॉर एग्जाम्पल। तो बताओ इसका 10 मोलर से 4 मोलर घटा रिएक्टेंट का, इन सब का स्टार्टिंग में क्या है 0। बताओ फर्स्ट रिएक्शन में अगर 1 मोलर जाती है तो इसका 2 मोलर बनता है, और एक्चुअल में हमने अपने लिए 1 मोलर ही थी, तो 0 मोलर से बढ़कर इसकी 2 मोलर हो गई होगी। प्रोडक्ट में 1 मोलर रिएक्टेंट का जाता है तो 1 मोलर P2 का बनता है सेकेंड रिएक्शन में अगर जाता है, लेकिन हमने माना 2 मोलर गया सेकेंड रिएक्शन में, तो 2 मोलर से 2 मोलर बनेगा, तो 0 से 2 मोलर P2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर हो जाएगी। 3 मोलर थर्ड रिएक्शन में गया, टोटल 6 मोलर गया रिएक्टेंट का, तो 1 मोलर से 3 मोलर बनती है, तो 3 मोलर अगर थर्ड रिएक्शन में गया होगा तो 9 मोलर बन गई होगी इसकी, तो P3 की कॉन्सेंट्रेशन 9 मोलर हो गई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मोलर प्रोडक्ट की। ओके, अब मैं R एवरेज देखो जरा, इधर मैं लिखता हूं R एवरेज, वो क्या है 1 बाई 1 डेल्टा A बाई डेल्टा T। डेल्टा A क्या होगी, A की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, में वैल्यू पुट कर देता हूं। बताओ ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 4 मोलर, इनिशियल क्या है 10 मोलर, डिवाइड बाई टाइम लगा उसको डेल्टा टी बोल देते हैं, तो ये कितना हो गया 6 बाई डेल्टा टी हो गया ना आर एवरेज। आर वन हम देखते हैं तो आर वन 1 बाई एन वन, एन वन कितना है 2, डेल्टा पी वन बाई डेल्टा टी कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी P1 2 मोलर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मोलर, है ना, 2 मोलर से 0, ये P की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज डेल्टा P, मान लो डेल्टा T टाइम में हुआ तो ये क्या हो गया 1 बाई डेल्टा T हो गया, ठीक है। R2 अगर मैं देखूं तो R2 हमने क्या लिखा 1 बाई N2 dP2 by dt, N2 की वैल्यू 1 है तो 1 बाई 1 डेल्टा पी टू बाई डेल्टा टी। बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी 0 टू 2
तो ये कितना आ गया 1 बाई 1 2 माइनस 0 बाई डेल्टा t, तो ये कितना आ गया 2 बाई डेल्टा t। R3 और लिख लेते हैं हम लोग, वो क्या है 1 बाई n3, n3 की वैल्यू 3 है, डेल्टा p3 एवरेज ले लेते हैं इधर तो डेल्टा में ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया 1 बाई 3। कितनी है कॉन्सेंट्रेशन 9 मोलर, स्टार्टिंग में 0 तो 9 माइनस 0 बाई डेल्टा t, तो ये कितना आ गया 3 बाई डेल्टा t। ये 6 बाई डेल्टा t है, R1 क्या है 1 बाई डेल्टा t, R2 क्या है 2 बाई डेल्टा t, R3 क्या है 3 बाई डेल्टा t है। क्या आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया टोटल 6 बाई डेल्टा t आ गया ना, तो R1 R2 R3 का समेशन है वो 6 बाई डेल्टा t है और R इफेक्टिव भी 6 बाई डेल्टा t है। Hence I can write R एवरेज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि भाई R1 इज इक्वल टू R, R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे आता है, वी अंडरस्टूड थ्रू दिस एग्जांपल। तो इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि सब जगह ये बराबर का साइन आता है, वैसे तो एक ही रिएक्शन होती है, तो पर पैरेलल रिएक्शन में यहां प्लस का साइन आएगा बीच में। R1, R2, R3 सभी का समेशन इज इक्वल टू R इफेक्टिव, बस ये चीज है जो बहुत ही यूनिक चीज है, जो एक सिंगल रिएक्शन से अगर इतने ही प्रोडक्ट बन रहे होते तो नहीं होते वो रिलेशन, यहां पे इक्वल टू का साइन आता प्लस की जगह पर। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, पैरेलल रिएक्शन की यही एक गजब की चीज है। इस एग्जाम्पल को हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया टू अंडरस्टैंड कि हाई हाउ आर इफेक्टिव इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब बस डेरिवेशन करना है, कुछ भी नहीं। बताओ इधर आर एवरेज, मैं सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेशन करता हूं, तो मैं जानता हूं दिस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जितनी भी रिएक्शन होंगी। आर इफेक्टिव को क्या लिख सकते हैं, के इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई ए। R1 को क्या लिखा जाता है K1A, R2 को क्या लिखा जा सकता है K2A, R3 को K3A। तो फाइनली क्या आ गया, A उड़ जाएगा दोनों साइड से, K1 प्लस K2 प्लस K3, हैंस द रिलेशन हो गया प्रूव। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मान लीजिए ये सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने ली है, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो ए की पावर वन आई क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। मान लीजिए सेकंड ऑर्डर होती सब जगह, ए की पावर क्या आ जाती, टू आ जाती। अगर ए की पावर टू आ जाती इधर तो भी यही रिलेशन वैलिड हो जाता। मान लीजिए और कोई ऑर्डर ऐसे nth ऑर्डर, मान लीजिए सारी पैरेलल रिएक्शन nth ऑर्डर को ए की ऑर्डर को ओबे कर रही है, चाहे वो कोई भी हो, तो nth ऑर्डर होगा तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, स्टिल दिस रिलेशन इज वैलिड। क्या बोलना चाहता हूं बच्चों मैं, ये जो रिलेशन, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये जो रिलेशन है ये वैलिड है चाहे सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो, जो कि हम देख रहे हैं अपना केस है, सारी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की हो तो भी वैलिड है, सारी की सारी रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की हो तो भी वैलिड है, सारी की सारी रिएक्शन सेम ऑर्डर की होंगी तो ये रिलेशन वैलिड है पैरेलल रिएक्शन के केस में। लेकिन ये वैलिड सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय t ऑफ, सब जगह वही फॉर्मूला लगाया 0.693 डिवाइड बाय t ऑफ 1 k1, 0.693 डिवाइड बाय t ऑफ 2 k2, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये रिलेशन तभी वैलिड है जब सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होंगी पैरेलली, और ये तो फर्स्ट ऑर्डर की हो तो भी ठीक है और फर्स्ट ऑर्डर की नहीं हो तो भी ठीक है, ये रिलेशन तो वैलिड होगा। You understood it? तो पहले का डेरिवेशन हो गया। हम देखते हैं किसी भी टाइम पे एक का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी के इफेक्टिव ए, इससे देखो ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहते हो तो डी ए बाई डी टी, एक तरफ डी ए ले जाओ दूसरी तरफ डी टी इंटीग्रेट कर दो, ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। मुझे P1 फंक्शन ऑफ टाइम देखना है,
तो क्या करूंगा मैं, dp1 बाई dt, dp1 एक तरफ रखो, dt दूसरी तरफ रखो, इंटीग्रेट कर दो, तो p1 फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। मुझे p2 फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो क्या करना होगा, dp2 बाई dt उठा लेंगे हम लोग, dp2 इस तरफ और dt उधर, इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, वेरिएबल दो ही रहने चाहिए इंटीग्रेबल फॉर्म में, कोई इक्वेशन चाहिए तो ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल रहने चाहिए ताकि उसको इंटीग्रेट किया जा सके, इंटीग्रेबल फॉर्म में लाया जा सके। ओके, सबसे पहले a फंक्शन ऑफ टाइम, तो da by dt उठाएंगे हम लोग, ये रिलेशन यूज करते हैं, माइनस da by dt इज इक्वल टू k इफेक्टिव a। यहां पर da एक तरफ रखो, a तो किधर भी ले आओ, बताओ जब टाइम जीरो था तो ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नोट थी, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे लिमिट में, यहाँ पे ए की, जब टाइम टी हुआ तो ए की कॉन्सेंट्रेशन घटकर ए रह गई, इसका इंटीग्रेशन कोई भी कर लेगा, क्या आएगा बड़े प्यार से, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के एवरेज टी। अब तो आदत पड़ गई है आप लोगों को इंटीग्रेशन करने की, इसी को अगर मैं लिखूं तो लॉग ले लूं दोनों साइड, तो के एवरेज क्या आ गया, 1/t ln a नॉट बाई at बोलो या e, बोथ आर सेम, वैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म में, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन आपने डेरिवेशन किया था उसमें क्या था, के एवरेज की जगह के था, और यहां पर भी के एवरेज और के इफेक्टिव की जगह के था, बस इतना सा फर्क था। तो ए फंक्शन ऑफ टाइम तो बहुत ही सिंपल है ना, बिल्कुल के की जगह बस के इफेक्टिव, और के इफेक्टिव क्या है, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री है यहां पर, के एवरेज का मतलब, के एवरेज का मतलब के वन के टू के थ्री का समेशन है, जितने भी रेट कॉन्स्टेंट है पैरेलल रिएक्शंस के। अब ए फंक्शन ऑफ टाइम तो आ गया आपका, अब हमें निकालना है पी एज फंक्शन ऑफ टाइम, पी फंक्शन ऑफ, आप बोलोगे सर ये पी फंक्शन ऑफ टाइम कहां है, यहां तो टी दिखाई नहीं दे रहा, अरे भाई ए के अंदर टाइम छुपा हुआ है, ए क्या है, ए नॉट ई की पावर माइनस के एवरेज टी, तो इसके अंदर टी छुपा हुआ है, एक बार ए टाइम दे दिया, ए निकाला, ए को यहां यहां पुट कर दोगे तो पी वन पी टू आ जाएगा, सिंपल। तो P1 फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है, तो मुझे dp1 by dt इक्वेशन 2 का यूज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे बच्चों, 1 by n1 dp1 by dt इज इक्वल टू k1 a, सब फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेशन, बाकी सब डेरिवेशन 2, 3 ये और ये, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख रहे हैं हम, सारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, पर मैं बता रहा था ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता तो भी वैलिड होता, ये सुन लो, सिमिलरली ये भी वैलिड रहेगा अदर ऑर्डर में, देखेंगे हम लोग k1a। अब प्रॉब्लम है p1 और t वेरिएबल के साथ साथ a भी तो चेंज हो रहा है, पर a को फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग लिख सकते हैं a नॉट e की पावर माइनस k एवरेज t, तो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, a को क्या लिखते हैं, k1 a नोट e की पावर माइनस k इफेक्टिव t और k एवरेज t। अब dp1 को एक तरफ रखते हैं, n1 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, n1 k1 a नोट, n1 इधर जाएगा और क्या हो गया, e की पावर k इफेक्टिव t और dt उधर लेंगे। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये तो पूरा कांस्टेंट है, जब टाइम जीरो था तो सारे प्रोडक्ट ही जीरो थे, p1 भी जीरो होगा, जब टाइम t हुआ तो या p1 की लिमिट चढ़ाएंगे या t की लिमिट चढ़ाएंगे, तो p की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, p1t या pt बोलेंगे, ये तो क्या आ जाएगा, p1 माइनस जीरो इस साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n1 k1 a नोट तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर है इंटीग्रेशन के, क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस k एवरेज t डिवाइड बाई माइनस के एवरेज 0 to t, तो ये माइनस के एवरेज बाहर आ जाएगा। अब मैं यहीं पे कुछ चेंज कर देता हूं, एक बार t की जगह t पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे,
तो डी पुट की ये, और जब जीरो पुट की तो ई की पावर जीरो यानी कि वन आ गया। ये माइनस साइन में अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वन माइनस ई की पावर माइनस के एवरेज टी, ये माइनस साइन भी चला जाएगा, गायब हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, ए नोट को अंदर ले जाता हूं, ए नोट को अंदर ले जाता हूं, तो यहां तो वन मल्टीप्लाइड बाई ए नोट हो गया, और यहां पर ए नोट इधर आ गया। ये चीज क्या है बच्चों, ये चीज ए ही तो है, ए नोट ई की पावर के एवरेज टी इज इक्वल टू ए। तो पी वन की किसी भी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, एन वन के वन डिवाइड बाई के इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई कितना इनिशियल था ए, अब इस इंस्टेंट पे कितना है ए, ये ए टी है तो ये पी वन टी हो गया, आप लोग समझते हैं ठीक है, ये ए टी है तो ये पी वन टी, तो एक्सप्रेशन डेरिवेशन आपका हो गया। किसी भी टाइम पे ए यहां पर पुट करोगे तो उसी टाइम का पी वन आ जाएगा, पी वन कॉन्सेंट्रेशन, तो पी वन फंक्शन ऑफ टाइम आपका आ गया। मैं चाहता हूं पी टू फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या रहेगा, इसको उठाऊंगा वन बाई एन टू डी पी टू के टू ए, तो इस बार क्या हो जाएगा वन बाई एन टू डी पी टू बाई के टू हो जाएगा। यहां पे पी टू हो जाएगा जीरो टू पी टू एन टू के टू हो जाएगा, बाकी कहानी वही है आपकी, पी टू क्या आ जाएगा एन वन के वन की जगह एन टू के टू, एन वन के वन की जगह एन टू के टू, और ये पी टू हो जाएगा, तो P2 फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। क्या हुआ, ये चीज कॉमन आ रही है बार बार, P1 था तो N1 K1 आ रहा है, P2 तो N3 K3, तो P3 में क्या जाएगा N3 K3, so on so h, बाकी ये मामला तो सेम ही रहेगा। तो सेकंड वाला भी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन है सारी की सारी, हमने डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन ये थी, ये चार डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो ये सब इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ गई, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम का रिलेशन आ गया, जो कि इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन की जॉब होती है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जे एडवांस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उन सब में ये चीजें आपको काम आएंगी, बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसे फॉर्मूला से हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, नो डाउट अबाउट इट, बस डिस्कशन जरूर समझ लेना जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आर एवरेज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कैसे आया, वो कोफिशिएंट से आपको गेम खेलना होगा। ओके यहां पर मैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट में रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो बच्चों क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ P1 क्या हो जाएगा, किसी भी टाइम पे P1 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय सब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ये है। P1 को क्या लिख सकते हैं N1 K1 और ये पूरा झंझट, P2 को क्या लिख सकते हैं N2 K2 एंड ये पूरी चीज गोले वाली, तो परसेंटेज ऑफ पी वन कितना आ गया एन वन के वन ये पूरी चीज, पी वन को फिर एन वन के वन ये पूरी चीज, पी टू को एन टू के टू ये पूरी चीज आ जाएगी, सो ऑन सो एस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कॉमन वाली चीज हट जाएगी पिक्चर से, और फाइनली पी वन की कॉन्सेंट कंपोजिशन कितनी आ जाएगी आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट एन वन के वन डिवाइड बाई एन वन के वन प्लस N2 K2 plus N3 K3 चलता रहेगा सारा मामला मल्टीप्लाइड बाय 100, यस और नो। मैंने क्या बोला, फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब ये पैरेलल रिएक्शन यूज करोगे तो N1 N2 N3 सबकी वैल्यू क्या रहेगी 1, ये तो आ गया आपका। जब P2 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे P2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में ये रहेगा, तो P2 रहेगा तो यहां पे N2 K2 आ जाएगा, N2 K2 डिनोमिनेटर में वही रहेगा। परसेंटेज ऑफ P3 देखेंगे तो यहाँ P3 आ जाएगा, तो N3 K3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में वही रहेगा, इसका आप ध्यान रखना। N1 N2 N3 कोफिशिएंट और K1 K2 K3 रेट कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, तो ये
परसेंटेज ऑफ पी वन, परसेंटेज ऑफ पी टू, परसेंटेज ऑफ पी थ्री प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है वो वक्त के हिसाब से चेंज नहीं होगा। एक प्रोडक्ट एक्स परसेंटेज है तो टी वन, टी टू, टी थ्री, टी इनफिनिटी सब पे वो एक्स परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ही रखेगा, राइट? ओके, अगर मैं जैसे मॉडर्न फिजिक्स में और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी में एन वन, एन टू, एन थ्री की वैल्यू वन रहेगी, तो इसको मैं वन पुट कर दूं तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर में तो के इफेक्टिव ही आ गया, के एवरेज। तो पी वन क्या हो गया? के वन डिवाइड बाई के एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 100। जब एन वन, एन टू, एन थ्री वन होंगे तो पी टू क्या हो जाएगा? के टू बटे में के एवरेज। यस और नो? इफ कोफिशिएंट्स ऑल आर इक्वल टू वन, देन पी वन का परसेंटेज क्या आ जाएगा? पी टू का परसेंटेज क्या आ जाएगा? पी थ्री का परसेंटेज क्या आ जाएगा? के वन डिवाइड बाई के एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 100, के टू डिवाइड बाई के एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 100, के थ्री डिवाइड बाई के एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो यहां पर लेमडा वन डिवाइड बाई लेमडा एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 100, सेकेंड रेडियो एक्टिव डीके का डीके कॉन्स्टेंट लेमडा टू, यहाँ पे डीके कॉन्स्टेंट लेमडा एवरेज आ जाएगा। रेडियो एक्टिविटी में यहाँ पे के की जगह पर लेमडा आ जाएगा रिस्पेक्टिव, और कुछ नहीं है। लेमडा क्या है? डीके कॉन्स्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो डिनोमिनेटर में के एवरेज आ जाता है, ये वाली चीज आ जाती है अगर एन वन, एन टू, एन थ्री कोफिशियंट वन हो तो। अब लास्ट रिलेशन कि भाई ये कैसे आया, एक्टिवेशन एनर्जी का कोरिलेशन कैसे आया? कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी पूछते हैं, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो भाई, एक्टिवेशन एनर्जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपने कहीं पे यूज की है अभी तक? तो एकमात्र आरेनियस इक्वेशन में यूज की है। तो ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए कि हाँ, मुझे एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन देखना है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आरेनियस इक्वेशन में देखी है बस। तो उसको आप लोग, रेट कांस्टेंट का ये रिलेशन है, इन्हीं में ही के को लिखेंगे ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो इसी में ही आरेनियस इक्वेशन में ही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी छुपी हुई है। तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं हम, और ये रिलेशन अगर सारी रिएक्शन वन ऑर्डर के अलावा सारी सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर की होती, सेम ऑर्डर की होती सारी रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शंस पर सेम ऑर्डर की होती तो भी वैलिड था, तो आगे जो करेंगे वो भी वैलिड होगा। तो k इफेक्टिव इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? k क्या होता है देखो जरा, a e रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी, यही आरेनियस इक्वेशन होती है। सारी पैरेलल रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही है तो एक ही टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर तो अलग हो नहीं सकता, ये तो सेम है, आर और टी तो सब रिएक्शन की रही, ई तो कॉन्स्टेंट होता ही है, 2.718 या 100 बाई 37 अप्रोक्सीमेटली ई की वैल्यू ले सकते हो मैथमेटिकली, तो ये तो चीज फिक्स है। हम जानते हैं ए एन ई ए अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, और के भी अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए K1, A1, E1, सेकेंड रिएक्शन के लिए K2, A2, E2, क्योंकि दीज आर K, A एंड E आर स्पेसिफिक टू ए रिएक्शन दैट वी हैव स्टडीड इन आरएनएस थ्योरी। बस इसको क्या मैं ऐसे बड़े प्यार से लिख सकता हूं? आगे कहानी चलती रहेगी। अब देखो एक चीज, छोटी सी चीज, आप K1 के मल्टीप्लिकेशन में E1 चाहते हो, K2 के मल्टीप्लिकेशन में E2 चाहते हो, ये आपका फाइनल डिजायर्ड एक्सप्रेशन है, ये लेके आना है आपको, तो दिमाग में ये चलना चाहिए मुझे ये लेके आना है। तो आप क्या मैथमेटिकल टूल यूज करोगे? मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। e की पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन करो आप, और उसका आप इंटीग्रेशन करो,
डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर के एक्स गुणा में के आएगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर के एक्स डिवाइड बाई के आएगा। व्हाट यू अंडरस्टूड? अगर आप जो पावर में है, यहां पावर में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी E1, E2, E3, जो पावर में चीज है e रेज़ टू पावर, वो गुणा में चाहते हो तो डिफरेंशिएशन करो, और डिवीजन में चाहते हो तो इंटीग्रेशन करो। तो E1, E2, E3 को मल्टीप्लिकेशन में चाहते हो जैसा यहां पर है, तो डिफरेंशिएशन वाला टूल हमारे लिए काम का है। और अगर E1, E2, E3 को डिनोमिनेटर में चाहते हो जैसे K1 by E1 होता, K2 by E2 इस तरह होता तो इंटीग्रेशन वाला टूल हम लोग यूज करते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स हमें बतला रहा है। तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे क्या है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ANEA को हम टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं मानते हैं, तो ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे A1, E1, A2, E2, A एवरेज, E एवरेज, ये तो टेम्परेचर साथ चेंज नहीं, ये कॉन्स्टेंट है हमारे, हम अज्यूम करके चलते हैं कॉन्स्टेंट है, रिमेंबर इट, दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं सभी न्यूमेरिकल में कि सेम है। ऐसा ही यहां पर कर रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री में वैसा करते हैं हम लोग। ए एन ई आर कंसिडर टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मैंने कंसिडर्ड वर्ड यूज किया था, ध्यान रखें, ए एवरेज, ई एवरेज होते नहीं है, कंसिडर किए जाते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ए और ई ए दोनों। तो ए एवरेज कंसिडर करते हुए ई रेज टू पावर माइनस ई एवरेज बाई आर टी, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एवरेज बाई आर तो कॉन्स्टेंट है, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 टी की पावर माइनस 2, यानी कि माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं टी स्क्वायर, ठीक है, इधर करता हूं तो ए वन योगा यो रहेगा, ई रेज टू पावर ई वन बाई आर टी, फिर क्या आ जाएगा ई वन बाई आर टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए टू ई रेज टू पावर ई टू बाई आर टी, और क्या आ जाएगा ई टू बाई आर टी स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा सभी। अब क्या आप देख सकते हो आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर सबके डिनोमिनेटर में है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो इट कैन इरेटेड इरेडिकेटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो क्या आ जाएगा, मैं यही पे चेंज कर देता हूं, इस तरह आ जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि यही के एवरेज है, के एवरेज यही तो है, के वन क्या है यही है, तो ये क्या है आपका के वन है, ये क्या है आपका के टू है, हेंस द रिलेशन के एवरेज ई एवरेज इज इक्वल टू के वन ई वन प्लस के टू ई टू, सो ऑन सो एच जितने भी होंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी का आपस में कोरिलेशन आ गया, दिस इज द रिलेशन। चूंकि ये रिलेशन सभी रिएक्शन का ऑर्डर जब भी सेम है, कोई भी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये सुनो तो वैलिड है, तो ये रिलेशन भी सेम ऑर्डर के लिए वैलिड है, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कोई भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो ये फर्स्ट और लास्ट फोर्थ रिलेशन फॉर्मूला तो वैलिड है, लेकिन बाकी सब सेकेंड और थर्ड वाले फर्स्ट ऑर्डर के ही होने कंपल्सरी। ओके बच्चों, तो पैरेलल रिएक्शन की एक्सप्रेशन है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये फॉर्मूला याद है आपको, डेरिवेशन बहुत कंपल्सरी नहीं है, बट आपको सारा डिस्कशन देखा तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बस ये ध्यान रखो। एक छोटी सी चीज और, मैंने सारे डेरिवेशन किसके लिए किए हैं,
जब रिएक्टेंट का कोफिशियंट 1 है। मान लीजिए रिएक्टेंट का कोफिशियंट 2 है तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर हमने तो डेरिवेशन सारे एक्सप्रेशन ये तो रिएक्टेंट का कोफिशियंट 1 मानते हुए किए थे, अब क्या करें? कोई बात नहीं, क्या आप अपने मन ही मन में सब कोफिशियंट को 2 से डिवाइड कर सकते हो? 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, यानी कि उसी फॉर्मेट में आ गया। N1 की जगह N1 by 2 आ गया, N2 की जगह N2 by 2 और N3 by 2। तो जहां पर N1, N2, N3 है, N1 की जगह सब जगह N1 by 2 पुट कर दो, N2 जहां पर भी है N2 by 2 पुट कर दो, N3 जहां पर भी है N3 by 2 पुट कर दो। मान लीजिए इसका कोफिशियंट N0 है और ये N1, N2, N3 है, इस तरह है, तो मन ही मन में इसका 1 बना लो और तो क्या करेंगे, सब कोफिशियंट को N0 से डिवाइड कर देंगे। तो जहां पर N1, N2, N3 है, यहां पर इन दोनों में सेकंड और थर्ड वाले फॉर्मूलाज में सब जगह N1 की जगह N1 बाई N0 चिपका दो, N2 की जगह चुपचाप रख दो N2 बाई N0, N3 की जगह N3 बाई N0 और न्यूमेरिकल सोल्व कर दो। सेकंड और थर्ड वाले फॉर्मूला में ही आपको चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रिएक्टेंट का कोफिशियंट 1 के अलावा कुछ और भी होगा तो भी हम बिंदास कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, मैं एक तो क्वेश्चन करता हूं इसके ऊपर। फर्स्ट ए रिएक्शन है, P1 और P2 दोनों प्रोडक्ट में जा रही है, इसका रेट कांस्टेंट K1 और K2 है, ठीक है? क्या दे रखा है? K1 बाई K2 आपका 2 दे रखा है, डन। और आपसे पूछा है कि भाई परसेंटेज ऑफ P1 बताओ। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बाय डिफॉल्ट, वो मान के चलना है आपको और बोल रखा होगा तो अच्छी बात है। P1 एंड P2 परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब N1 N2 की वैल्यू तो क्या है आपकी 1 और 1 है, तो ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा? N1 K1 डिवाइड बाय N1 K1 प्लस N2 K2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये N2 K2 डिवाइड बाय N1 K1 प्लस N2 K2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या है K1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये है K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? मुझे K1 और K2 की वैल्यू दी हुई है तो अच्छी बात थी, लेकिन K1 K2 का रेशियो दे रखा है, तो क्या तो K1 बाय K2 का रेशियो बना लो इन दोनों में, या फिर K1 को क्या लिख देंगे हम 2K2 लिख दें सब जगह तो भी काम हो जाएगा, दैट विल बी डन। तो ये 2K2 ये क्या हो गया 2K2 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 66.66%। ये क्या हो जाएगा आपका K2, ये 2K2 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 100/3 यानी कि 33.33% आ गया। वैसे अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया P1 का परसेंटेज तो P2 मुझे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली बता देना चाहिए, क्यों? क्योंकि दो ही प्रोडक्ट है, इसका x परसेंटेज होगा तो इसका 100 माइनस x होगा 66.6, तो 100 माइनस 66 होता है, या दैट इज 33.33, क्योंकि परसेंटेज का समीशन तो 100 होता है, तो जितने भी प्रोडक्ट है उनमें से सब प्रोडक्ट का समीशन, सब प्रोडक्ट का अगर हमें पता है, एक का नहीं पता तो बचे हुए का, तो 100 में से माइनस करके हम निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट की, जहां तक बात है, राइट? अब दोस्तों मान लीजिए यहां पर जो कोफिशियंट है वो 2 है और यहां पे कोफिशियंट है वो 3 है, ठीक है, यही वैल्यू दे रखी है, इस बार पूछा है, तो क्या हो जाता अपना क्वेश्चन? N1 ये है, N2 ये है, तो 2K1 2K1 3K2 3K2
टू के वन एंड थ्री के टू, ऐसा हो जाता टू के वन थ्री के टू, है ना, टू के वन थ्री के टू। अब हमें आगे सोल्व करना होता तो इसका निकालेंगे तो इसका तो अपने आप हंड्रेड में से माइनस करके निकल जाएगा। अब के वन की जगह टू के टू पुट कर देते हैं, सब जगह टू के टू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फोर के टू, ये कितना आ जाएगा, फोर के टू प्लस थ्री के टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड, ये फोर बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड, तो ये फोर हंड्रेड बाई सेवन आ गया। ये कितना आ गया, इसको अगर हम सोल्व करें तो थ्री के टू, इसकी जगह हम फोर के टू प्लस थ्री के टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड, तो ये थ्री बाई सेवन यानी कि थ्री हंड्रेड बाई सेवन आ जाएगा, राइट, थ्री हंड्रेड बाई सेवन। तो ये परसेंटेज में आपके आंसर्स आ गए, यू कैन डू इट वेरी इजीली, यस और नो। कोफिशिएंट अलग कर देंगे तो हम डायरेक्टली एन वन एन टू एन थ्री की वैल्यू उसी तरह इस्तेमाल कर लेंगे, नॉट ए प्रॉब्लम। पर मैंने बोला कि एन वन एन टू एन थ्री सब क्या रहेंगे, वन रहेंगे इन केस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी एन। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन पैरेलल रिएक्शन। ये जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन किया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही टुल्लू टप्पू क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप उड़ा सकते हो, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होता है और कुछ नहीं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक थोड़े अच्छे क्वेश्चन की, ए से पैरेलली तीन रिएक्शन हो रही है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, सेकेंड पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, थर्ड वाले की E1 है, रेट कांस्टेंट K1 बोल देते हैं, K2 बोल देते हैं, K3 बोल देते हैं, और इफेक्टिवली अगर हम लें तो के इफेक्टिव एंड ई इफेक्टिव या के एवरेज, ये एवरेज से डिनोट कर देते हैं। ये है क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ बी दे रखा है, परसेंटेज ऑफ सी दे रखा है, 40% एंड 20%। ई वन ई टू और ई थ्री की वैल्यू दे रखी है 48, 80 एंड 100। क्या सबकी यूनिट है किलोजूल पर मोल, ये सब तो गिवन इंफॉर्मेशन है, और पूछा है आपको इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी दे दी और इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली, तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वाला ये फॉर्मूला तो हमें यूज होगा। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट दे दिया तो परसेंटेज कंपोजिशन वाले फॉर्मूला भी यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछा है, तो थ्री और फोर वाले ये फॉर्मूला हमें बिंदास यूज करने हैं। ये तीन प्रोडक्ट हो गए बी सी और डी, यहां पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वन है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों N1 की वैल्यू कितनी दे दी, यहां पर देखेंगे N1 की वैल्यू आपकी 2 है, N2 की वैल्यू 1 है और N3 की वैल्यू आपकी 3 है, 2, 1 और 3, ये P1, P2, P3 प्रोडक्ट की तरह BCD हो गए। अगर दो प्रोडक्ट का परसेंटेज कंपोजिशन 40-20 है तो तीसरे वाले प्रोडक्ट का परसेंटेज कंपोजिशन 40-20-60 होगा, तो 100 में से घटाएंगे तो 40 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो खुद निकाल सकते हो, क्योंकि सभी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट का, सभी प्रोडक्ट का परसेंटेज कंपोजिशन का समेशन 100 ही होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब जितना भी दे रखा है सबकी इक्वेशन बना लो और सोल्व करो, दैट्स ऑल। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन 40, 20 एंड 40, पहला प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगाओ, एन वन के वन तो टू के वन, 2k1 plus 1k2 plus 3k3 multiplied by 100, equation 1 हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, n2k2 divided by n1k1, n2k2, n3k3 multiplied by 100। तीसरा क्या हो जाएगा, 3k3 2k1 plus k2 and 3k3
मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो बच्चों ये तीन आ गए। एक काम करूं मैं, इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि LHS बराबर हो जाए 40। तो इसको अगर मैं दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2K2 ये भी क्या आ जाएगा मेरा 40। तीनों 40 बराबर है, ये तो चीज बराबर है ही तीनों में। तो 2K1, 2K2 एंड 3K3 को बराबर होना पड़ेगा। व्हाट इज डेड्यूस? 2K1, 2K2, 3K3 पक्की बात है। वैसे मैं K1, K2, K3 की इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि तीन पैरामीटर है K1, K2, K3 और तीन इक्वेशन है। केमिस्ट्री का काम खत्म और मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट। बस तो यहां से क्या लिखेंगे? K1, K2, K3 ये हो गया डन। K1, K2, K3 में रिलेशन ये आ गया। मुझे निकालना है E एवरेज निकालना है। तो ई एवरेज क्या हो जाएगा बंधु? ई एवरेज इज इक्वल टू K1 E1, K2 E2, K3 E3 डिवाइड बाई के एवरेज। और के एवरेज को क्या लिख सकते हैं? K1 प्लस K2 प्लस K3। तीन ही रिएक्शन है, बस K3 तक ही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे दी? E1 की 48, E2 की कितनी दे दी? 80 किलो जूल। और E3 की कितनी दे दी? 100 किलो जूल। ये तो मैंने पुट कर दी, यानी कि K1, K2, K3 की वैल्यू पुट कर दी जाए तो मेरा आंसर E एवरेज का आ जाए। पक्की बात। अब K1, K2, K3, अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं K1, K2, K3 की, या फिर मैं रेशियो है तो उसका फायदा उठाऊं। K1 को भी क्या लिख दूं? 3/2 K3। K2 को भी क्या लिख दूं? यहां से रेशियो से 3/2 K3। तो मेरा काम हो जाएगा। वो भी एक तरीका है, 3/2 K3 मल्टीप्लाइड बाई 48, 3/2 K3 मल्टीप्लाइड बाई 80। और ये तो K3 है ही मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 3/2 K3, 3/2 K3 एंड K3 मल्टीप्लाइड बाई 100। K3 बाहर निकल जाएगा कॉमन और उड़ जाएगा। आपका आंसर आ गया 73 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों ये सब रिलेशन, ऑल ऑफ दीज, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में टी हाफ दे देंगे, इसका 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 टी हाफ पूछ लेंगे, तो ये टी हाफ कुछ दे देंगे, कुछ पूछ लेंगे डायरेक्ट। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन दे विल आस्क। दिस इज वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, या फिर जेईई मेन नीट की बात करें तो इनमें से कोई एक हिस्सा दे देंगे, है ना, एक छोटा सा पार्ट दे देंगे, ये दे देंगे और K1, K2, K3 भी दे देंगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगवा लेंगे आपको। K1, K2, K3 की वैल्यू दे देंगे तो ई एवरेज पूछ लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। इतना घुमा फिरा के K1, K2, K3 भी नहीं दे और वो परसेंटेज के थ्रू K1, K2, K3 में रिलेशन निकाले, तो फिर उसमें तो मल्टीपल स्टेप्स हो गए, मल्टीपल रिलेशन यूज हो गए। तो मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ाने का यही तरीका होता है। ये सुनो क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ानी हो, है ना, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन नीट के, जिपमर की हम अगर बात करें, और IIT की, जे एडवांस के, जे मेन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और जे एडवांस के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन, थोड़ा एक स्टेप ऊपर बनाने का तरीका यही होता है क्वेश्चन का लेवल, कि भाई मल्टीपल चीजें एक ही क्वेश्चन में डाल दो ताकि स्टूडेंट कोरिलेट कर पाता है क्या उस चीज से, उस चीज से, उस चीज, दो तीन चीज, दो तीन चैप्टर कर दो, इक्विलिब्रियम भी डाल दो, काइनेटिक्स भी डाल दो, थर्मोडायनेमिक्स भी डाल दो एक क्वेश्चन में, हाइब्रिड बना दो। दीज आर द डिफरेंट वेज टू मेक द क्वेश्चन ए गुड क्वेश्चन, कि स्टूडेंट कनेक्ट कर पाता है नहीं कर पाता है, और वो तब कर पाएगा जब हम लोग सफिशियंट प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों बिगेस्ट टूल इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट इज डूइंग सफिशियंट प्रैक्टिस, राइट।
वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन न्यूमेरिकल्स. एक तो न्यूमेरिकल हम रिवर्सिबल रिएक्शन पे कर लेते हैं, बाकी रिवर्सिबल और हमारा जो सिक्वेंशियल रिएक्शन है उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किए हैं. डेरिवेशन हमने देखा था और डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट फॉर्मूलाज. तो पैरेलल रिएक्शन और सिक्वेंशियल रिएक्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला, तीनों ही कॉम्प्लिकेटेड केस में डायरेक्ट फॉर्मूलाज अगर आप ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा. रिवर्सिबल रिएक्शन के ही कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं. ए गिविंग बी, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, केएफ एंड केबी रिस्पेक्टिवली. टी इज इक्वल टू जीरो पर ए ले लेते हैं, प्रोडक्ट का जीरो लेते हैं. टी इज इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स, तो एक्स हो गया. टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे एक्स की वैल्यू एक्स इक्विलिब्रियम हो गई, तो ये हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो गया, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट, बी नोट तो जीरो है ही. ए माइनस एक्स ए टी की वैल्यू हो गई, ये किसी भी टाइम पे बी टी की एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे और ये बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, आप ऐसा लिख सकते हो. K इक्विलिब्रियम, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 बाई 4 दे दी है. क्या दे दी है? 1 बाई 4. और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, वो है आपका 6.93 टेंस टू माइनस 3 सेकंड इनवर्स. 6.93 टेंस टू माइनस 3 सेकंड इनवर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट. तो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो बड़े प्यार से. ये क्या होता है? के एफ बाई के बी. ओके, पूछा क्या है? पूछा है एट व्हाट टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए is equal to half time degree of at t is equal to t is half time degree of dissociation of a at equilibrium, यानी कि t is equal to t equilibrium पे जो alpha है. यानी कि क्या बोलना चाहता है, अल्फा जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम का अल्फा, अल्फा जो इक्विलिब्रियम वाला है उसका आधा है. इसका मतलब समझ लेते हैं हम अपने टर्म्स में. एक्स कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटिव एक टी टाइम पे, तो अल्फा किसी भी टाइम टी पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा टी है, ये अल्फा इक्विलिब्रियम है, तो अल्फा टी क्या हो जाएगा, किसी भी टाइम टी पे डिसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल रिएक्टेंट की. अल्फा इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएटेड है, e डिवाइड बाय इनिशियल कितना है, a. यस और नो? फाइन. क्या बोला है कि अल्फा t इसके बराबर है, तो इसे पुट करो x by a, xc by 2a, a के साथ खेलने चला गया, तो जिस टाइम पे x की वैल्यू xc डिवाइड बाय 2 होगी. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एक्स और एक्स की टर्म में क्यों रिलेशन निकाल रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज चल रही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इंटीग्रेट टाइम पूछा है, टाइम मतलब इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन, और रिवर्सिबल रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. के एफ बाई के बी इज इक्वल टू वन बाई टी एल एन एक्स सी डिवाइड बाई एक्स सी माइनस एक्स. xc की वैल्यू तो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन k is equal to q पुट करके निकालेंगे, और यहां पे इनडायरेक्टली किसी दूसरी तरह दे दी, k is equal to q इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस न्यूमेरिकल में पुट करने की जरूरत नहीं है. टाइम पूछा है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन तो मैं लिख लूंगा, और यहां पर xc चाहिए तो मैंने xc की टर्म में निकाल ली, क्योंकि अच्छी चीज है वो. x की वैल्यू xc बाई, जिस टाइम पे x की वैल्यू xe डिवाइड बाई 2 होगी वो टाइम बताओ. तो kf और kb, अब देखो kf kb निकालना है, kf मुझे दे रखा है, ये क्या है kf बाई kb, तो kb की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स kf,
तो डायरेक्टली लिख दूं मैं यहां पर 4 टाइम्स kf, तो इतनी हो गई k बाई kb की वैल्यू, कितनी हो गई kf और kb की वैल्यू वहां से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6.93 10^-3 1 बाई टी एल एन एक्सी, एक्सी और एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें जिस टाइम पे एक्स की वैल्यू एक्सी बाई 2 होगी, ये पूरी कहानी तो क्या आ गई 2 के बराबर आ गई 1 बाई टी एल एन 2 इज इक्वल टू 5 6.93 10^-3। ये सेकंड इनवर्स में तो टाइम अपने आप सेकंड में आएगा। एल एन 2 को क्या लिख सकता हूं मैं 0.693 लिख सकता हूं, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई ब्रदर 0.693 10^-3 ऊपर जाकर 10^+3 हो जाएगा 5 6.93। ये तो आपका 10 टाइम हो गया, तो 100/5 यानी कि 20 किस में आएगा सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड इनवर्स में है, दे रखा है kf kb सेकंड इनवर्स में, तो ये सेकंड इनवर्स में है तो टाइम सेकंड में, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट डायमेंशन होता नहीं है ln वाले पूरे पार्ट का, तो हेंस टाइम 20 सेकंड आपकी वो टाइम होगा जिस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम वाली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट का आधा हो जाएगा। राइट, तो टाइम पूछा हो तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन ये जरूर याद होना चाहिए आपको। व्हाट आई मीन टू से, ये सब आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नो डाउट अबाउट इट। इसी से हम लोग कुछ ऑप्शंस देते हैं आपको, आपको बताना है कि उनमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट, फर्स्ट है डी ए बाई डी टी के बी बी माइनस के एफ ए, बी ऑप्शन दे रखा है एक्स ई की वैल्यू है इक्विलिब्रियम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हुआ के एफ ए डिवाइड बाई के एफ प्लस के बी, एंड सी ऑप्शन दे रखा है कितना किसी भी टाइम टी पे डिसोसिएट वो एक्स है, तो एक्स दे रखा है आपको के एफ ए डिवाइड बाई के एफ प्लस के बी 1 - e^-, दिस इज द रिलेशन। एंड डी इफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज 2 देन क्या ये वाला ग्राफ आपका सही रहेगा, ये a है ये 2a/3 है ये a/3 है, इधर टाइम है और इधर y एक्सिस पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, this is the concentration of B product and this is the graph of concentration of A, तो अगर आपका A और B की concentration कुछ इस तरह है तो क्या ये graph सही है, if equilibrium constant की value 2 है तो is this graph correct or not, चार option आपके पास। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है,
तो बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनमें टाइम है तो ये इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन ऑब्वियसली। ये इक्विलिब्रियम के ऊपर पूछा है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ भी निकालना हो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के इक्वल टू क्यू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये क्या है, प्लस डी ए बाई डी टी लिखा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए का फॉर्मेशन बैकवर्ड रिएक्शन से हो रहा है और डिसोसिएशन फॉरवर्ड से हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, के बी फर्स्ट ऑर्डर है तो बी की पावर वन, और डिसोसिएशन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है की पावर वन। जब एक केमिकल स्पीसीज कुछ से फॉर्मेशन हो रही है कुछ रेट से डिसोसिएशन हो रही है तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, सारे रेट ऑफ फॉर्मेशन का समेशन माइनस सारे रेट ऑफ डिसोसिएशन का समेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है ये, रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या है ये, तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए आ जाएगा। तो प्लस डी ए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, हेंस दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम विद दिस। सेकेंड एक्सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्सी आ गई तो बी की इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन आ गई और ए की भी इक्विलिब्रियम वाली आ गई। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, एक चीज जानते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन के के इज इक्वल टू क्यू, और क्यू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट और नीचे क्या हो जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है बच्चों के एफ बाई के बी, ये क्या हो जाएगा एक्सी बी की कॉन्सेंट्रेशन ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्सई। तो यहां से एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई के एफ ए के एफ प्लस के बी आ गई, हेंस एक्सी की वैल्यू ए के टर्म में कितनी आ गई वो बिल्कुल सही है। यस और नो, फाइन। तो बस ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने पुट की है और क्या, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली एक्स पूछा है, एक्सी इज एक्स की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पुट करेंगे बिंदास। ये टाइम है और एक्स मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी रिएक्टर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन होता है और क्या। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन सब बच्चों को रटा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन का बताओ, ये तो सबसे पहला फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए, वन बाई टी एल एन एक्स सी डिवाइड बाई एक्स सी माइनस एक्स, टी को इधर ले आऊं तो ये ऐसे हो जाएगा, चूंकि ये e रेज़ टू पावर समथिंग है तो इसी फॉर्मूला को मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैं t को इधर ले आऊं, अब मैं एंटी लॉग ले लूं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा e की पावर के एफ प्लस के बी टी इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइड बाई एक्स सी माइनस एक्स। अब क्या करो पलटी मार दो, तो इधर तो रेसिप्रोकल लेते ही क्या आ जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स सी डिवाइड बाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स सी, तो वन माइनस एक्स बाई एक्स सी, ठीक है बच्चों। तो एक्स डिवाइड बाई एक्स सी क्या आ गया वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के बी टी, ठीक है बच्चों। ये एक्स सी आ गया इधर, क्योंकि मुझे सिर्फ सी ऑप्शन में सिर्फ एक्स चाहिए इधर। एक्स की वैल्यू क्या है, यही वैल्यू तो एक्स की वैल्यू है अगर आप देखो तो, तो एक्स की वैल्यू के एफ के एफ बाई के बी और बाकी तो मामला ठीक है यहां से यहां तक, हेंस सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ही है सी ऑप्शन। तो जब टाइम और कॉन्सेंट्रेशन, एक्स क्या है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पे, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का कोरिलेशन मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को आप याद कर लोगे बिंदास, ये तो याद होनी होनी चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब लास्ट ऑप्शन कि भाई इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट यानी कि के एफ बाई के बी की वैल्यू टू दे दी, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है के एफ बाई के बी की वैल्यू टू है, तो इसकी वैल्यू क्या दे दी टू दे दी, इसकी वैल्यू टू दे दी
यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बंदो, 2a/3 आ गई, और वही क्या है, बी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और ए की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी है, a-xc, यानी कि a/3, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में ए कितना था, ए, ये घटता घटता a/3 पे आ गया, और इक्विलिब्रियम पे तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा a/3, और बी की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में जीरो थी, बढ़ती बढ़ती इक्विलिब्रियम पे कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगी 2a/3, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन जीरो से बढ़ी और फाइनली क्या हो गई, 2a/3 इक्विलिब्रियम पे कॉन्स्टेंट हो गई, तो चंगी है ये ग्राफ। ए की ए से घटती घटती अब कितनी हो गई, 2a/3 हो गई, हेंस दिस इज परफेक्ट, तो ये ग्राफ बिल्कुल चंगा है बी। तो ए बी सी डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ए गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, कोई ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का गेम है। आपको समझना होगा कब इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करना है, कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करना है, ऑल दैट, जब टाइम की बात कर रखी होती इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, एक्सी इक्विलिब्रियम की कोई कॉन्सेंट्रेशन पूछी हो, जैसे एक्सी पूछा है, तो आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन के इक्वल टू क्यू पुट करें, जो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में आप बार बार कर रहे थे, ऑल दैट, ये रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस देखना है, तो रेट लॉ हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों वी हैव डिस्कस सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, सिक्वेंशियल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और बचे हैं, लेट अस स्टॉप हियर, वेल दिस इज अ टाइम टू स्टॉप, यहां पे विराम चिन्ह लगाने का वक्त है। दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो, दिन रात मेहनत करते रहो, जिंदगी एक मिशन है और आपका मिशन है IIT में जाना, IIM में जाना, अच्छे इंजीनियरिंग और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना, तो चेज द ड्रीम, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। तो दोस्तों आपका ये IIT IIM का जो सपना है, अच्छे इंजीनियरिंग अच्छे मेडिकल कॉलेज का सपना है, इसके लिए इफ यू बर्न द मिडनाइट ऑयल एवरीथिंग इज स्मॉल, बिकॉज जिंदगी के 2 साल अगर आप कंप्रोमाइज भी कर लेते हो, कोई बोले कि जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जिंदगी एक बार मिली है क्यों कंप्रोमाइज किया, ठीक है मत करो, सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आप कंप्रोमाइज मत करो, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जियो, एक नॉर्मल आदमी की तरह रहकर चले जाओ आप धरती से, देयर इज डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग द लाइफ, नॉट ए प्रॉब्लम, बट अगर आप बहुत अचीवर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, किसी चीज में एक्सपर्टाइज गेन करना चाहते हो, चाहे वो एकेडमिक अचीवमेंट हो या मॉनेटरी अचीवमेंट हो या स्पिरिचुअल अचीवमेंट हो, कोई भी आप एक अचीवमेंट लेना चाहते हो जिंदगी में, तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू कंप्रोमाइज, यस, जिंदगी का सत्य ये है, उसी को अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी कह लो, गीता कुछ कहती होगी, कुरान कुछ कहती होगी, पर सत्य यही है, आप सब लोग जानते हैं इनकी इतनी जिंदगी आप लोग भी जी चुके हो। तो दोस्तों इफ यू कैन कंप्रोमाइज योर इंटरेस्ट लाइक सीइंग द मूवी, टॉकिंग, प्लेइंग ऑन द फील्ड्स और डूइंग एनीथिंग, सीइंग द मूवीज, व्हाटएवर वी, दैट डेफिनेटली इंटरेस्ट अस वी ह्यूमन बीइंग, बट we have to compromise on that front of interest. Self-control जिस student में है वो academic achiever बन जाएगा, बहुत ज्यादा probability है, और जिसमें patience है वो एक अच्छा businessman बन जाएगा। So दोस्तों हालांकि जिंदगी के हर sphere में qualities जरूरी हैं, So my dear friends, अगर आप जिंदगी के 2 साल कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि जिंदगी के 2 साल कॉम्प्रोमाइज करके बची हुई जिंदगी के आपके 40 से 50 साल ऑन एन एवरेज 60-65 एवरेज एज भी मान ले हम ह्यूमन बीइंग की, तो भी 40-45 ईयर्स आपके जिंदगी के बच जाएंगे, अराउंड 40 ईयर्स एटलीस्ट। अगर आप 2 साल कंप्रोमाइज करके बची हुई जिंदगी के 40-50 साल सुनहरे बना सकते हो, तो भला कंप्रोमाइज क्यों नहीं किया जाए।
कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। यस, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है लॉन्ग टर्म में, जो अभी जिन चीजों को आप साइडलाइन कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो ही इतने ब्यूटीफुल तरीके से आते हैं जब आप कॉलेज में जाते हो, बाद की लाइफ में जाते हो, इज्जत में, एक एक पल जिंदगी जीने में आपको अच्छा लगेगा। सो प्रोफेसर ऑलवेज सेज, ट्राई टू गेट वन आई इन योर लाइफ, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें और दिन रात पढ़ाई करते रहें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, डे विल कम when there will be a big sunrise in your life, you will have a great sunshine, and everywhere there is bliss, there is happiness. Thank you very much once again. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.